नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिबू ग्रेट प्रॉपर्टी के यूट्यूब चैनल से वीडियो एडिटिंग के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है थ्योरी के ऊपर। जी हाँ, आज मैं आपको थ्योरी वीडियो देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रीमियर प्रो में पिछले वीडियो में मैंने आपको यूजर इंटरफेस के बारे में बताया था, आज मैं आपको कुछ थ्योरी का वीडियो देने वाला हूँ, यानी कि थ्योरी का नॉलेज देने वाला हूँ जो आपको चाहिए अगर आपको एक वीडियो एडिटर बनना है। तो दोस्तों वीडियो एक्चुअली है क्या? दोस्तों हम जब भी कोई वीडियो देखते हैं ना, मान लीजिए एक वीडियो है, मैं प्ले करता हूँ, मैं म्यूट कर देता हूँ। अब देखिए ये प्ले हो रहा है। ये वीडियो आपको क्या लगता है, वीडियो क्या है? वीडियो एक्चुअली दोस्तों इमेज होता है। जी हाँ, वीडियो में भी एक्चुअली इमेज होता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए इसमें एक एक इमेज होता है। देखिए धीरे 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 उस इमेज के हिसाब से ये मूव होता है। मैं और भी डिटेल में आपको बताता हूँ। चाहे आप वीडियो गेम का वीडियो हो, अपने मोबाइल या कैमरा DSLR कैमरा से शूट किया हुआ है, या फिर कोई एनिमेशन है, हर एक जगह पे वीडियो जो होता है वो फ्रेम में होता है, मतलब इमेज में होता है। एक एक इमेज में वो निकलता है। जब इमेज को एक साथ प्ले किया जाता है तब वो वीडियो बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक 3D एनिमेशन बनाया था, ठीक है? तो इधर देखिए बहुत सारा इमेज है, इमेज एज ए सिक्वेंस निकलता है, ठीक है? तो ये है वो इमेज, वो एक इमेज है। मैं अगर आपको इधर लेफ्ट पे क्लिक करके करके मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए लग रहा है ना ये चल रहा है। जब ये जल्दी जल्दी चलता है तो ये लगता है कि ये वीडियो प्ले हो रहा है। एक्चुअली ये हर एक इमेज है। देखिए ऊपर कॉर्नर पे आपको नेम दिखाएगा, ये है 0118, फिर ये है 0119, फिर ये है 0120। तो इस टाइप से जो है एक एक करके इमेज प्ले हो रहा है, तो हमें लगता है कि ये वीडियो प्ले हो रहा है, लेकिन ये वीडियो नहीं है, ये इमेज है, ठीक है? तो ऐसे ही करके वीडियो में भी फ्रेम होता है। अब वीडियो में कितना फ्रेम होता है, मतलब उसका मेजरमेंट क्या है, वो हम आज जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो का कुछ स्टैंडर्ड होता है। जब भी हम कोई भी वीडियो देखते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड के हिसाब से वीडियो को बनाया जाता है। जो वीडियो जो कंपोज करते हैं, जो शूट करते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है? हर एक जगह पे हर एक चीज़ में आपको एक स्टैंडर्ड तो होता ही है, तो वीडियो में भी वो है। तो वो क्या है दोस्तों, वीडियो में दो मेन टाइप का स्टैंडर्ड होता है। एक होता है दोस्तों NTSC और एक है PAL। NTSC का क्या है, नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, ये होता है NTSC। ये दोस्तों अमेरिका और जापान में यूज होता है, जहाँ पे 29.97 फ्रेम पर सेकंड होता है। मतलब एक सेकंड के वीडियो में 29.97 फ्रेम या इमेज होता है, ठीक है, एक सेकंड में। वही PAL, PAL मतलब फेस अल्टरनेशन बाय लाइन, ये इसका फुल फॉर्म है। ये दोस्तों यूज होता है इंडिया में, यूरोप जैसे UK, स्वीडन, इस जगह पे, फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ज़्यादातर दुनिया में, दुनिया के ज़्यादातर एरिया में PAL को इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ US और जापान में जो है NTSC को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे होता है दोस्तों 25 फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड के वीडियो के लिए 25 फ्रेम या 25 इमेज ज़रूरत होता है, ठीक है? अब ये होता है दोस्तों वीडियो फॉर्मेट। तो हम इंडिया में होते हैं तो हम 25 FPS को लेते हैं। FPS मतलब फ्रेम पर सेकंड को हम शॉर्ट टर्म में FPS बोलते हैं, ठीक है? और अगर आप अमेरिका या जापान के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं तो आपको 29.97 फ्रेम पर सेकंड का सेटिंग लेना पड़ेगा। जब भी हम प्रीमियर प्रो पे कोई भी काम करते हैं ना, उसमें एक सेटिंग होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक न्यू फाइल करके, न्यू प्रोजेक्ट। तो अगर आप न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, और यहाँ से आप सीक्वेंस न्यू सीक्वेंस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए इधर है DVNTSC, हमने DV लिया था, DVNTSC, या फिर HDV अगर आप लेते हैं, इसके मैंने बताया था, HDV में भी आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि 30 FPS जाकर, एक्चुअली 29.97 को 30 FPS ही बोला जाता है। तो इधर भी आपको वही सेटिंग देखने को मिल रहा है। देखिए
FPS या 1080p 30 यानी कि 30 FPS या फिर 25p। अभी देखिए, अब दुनिया भर में हर एक जगह पे इसको इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन थोड़ा कम ज़्यादा होता है। जैसे कि 29.9 FPS को कभी कभी 30 FPS किया जाता है, या फिर 25 FPS को कई जगह 24 FPS भी ले जाता है। ठीक है, तो ये लगभग एक जैसा ही होता है अलग अलग कंट्री में, थोड़ा सा 19-20 का तो फर्क होता ही है, तो वैसा ही होता है। लेकिन मेन जो स्टैंडर्ड होता है वो है दो ही, एक होता है आपका NTSC और दूसरा होता है कैट। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हमने देख लिया, अब हमें एक और चीज देखना होगा कि टाइम कोड। दोस्तों टाइम कोड क्या होता है? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टाइम कोड, इसको टाइम कोड बोला जाता है, क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। जैसे कि मैंने बोला था तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। दोस्तों टाइम कोड, एक मिनट, टाइम कोड दोस्तों ये है। टाइम कोड में आप देख सकते हैं कि इधर हावर्स, मिनट, सेकेंड और फ्रेम का एक एक डिजिटल मीटर टाइप का बोल सकते हैं जो दिया रहता है, ताकि आप देख सकें कि कितना हावर्स का वीडियो है, कितने मिनट्स का है, कितना सेकेंड्स का है और कितना फ्रेम्स का है। इधर भी आपको वही देखने को मिलता है। देखिए ये बहुत छोटा वीडियो है, ठीक है, ये बहुत छोटा वीडियो, किधर प्ले हो रहा है वही दिखा रहा है। तो ये 0 आवर पे है, अभी 2 मिनट पे है, 29 सेकेंड पे है, 24 फ्रेम पे है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए मुझे इसको 59 सेकेंड से 58 फ्रेम में जाना है, मैं क्लिक करता हूँ तो 1 सेकेंड आगे चला गया। ठीक है, 1 सेकेंड वो आगे चला गया। तो ऐसे करके अब इसको आगे ले जाएंगे तो ये माइनस होता रहेगा, मतलब ये कम हो रहा है वीडियो का। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है टाइम को। अब दोस्तों टाइम कोड के बाद हमें एक और चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। अच्छा, ये टाइम कोड क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये भी देखना होता है कि आपका वीडियो है वो कितना बड़ा होगा, वो कितना घंटे का है, कितना मिनट का है, कितना सेकंड का है, कितना फ्रेम का, इसलिए है। ठीक है, ये है उसका जरूरत। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो दोस्तों बिटरेट है, ये बिटरेट क्या है। दोस्तों हम जब भी कोई भी वीडियो हम रेंडर करते हैं, यानी कि उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने इधर से अगर फाइल से जाके मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूँ, इधर से मीडिया में जाके एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है, तो इधर से मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों नीचे वीडियो में नीचे अगर मैं जाता हूँ ना तो दिखा रहता है कि टारगेट बिट रेट MBPS, यानी कि MB मेगाबाइट पर सेकेंड, कितना मेगाबाइट पर सेकेंड के हिसाब से मुझे निकलना है। तो बिट रेट क्या है आइए जान लेते हैं। दोस्तों बिट रेट क्या है, इधर देखिए देखिए मैंने ये पूरा लिख के रखा है, ए वीडियो बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर प्रोसेस इन ए यूनिट। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि 8 बाइट से 1 बिट बनता है, अपने बचपन में तो बिट बाइट का टेबल पढ़ा ही होगा। बिट बाइट होता है 1 बाइट, फिर 8 बाइट से बनता है 1 बिट, फिर उससे दोस्तों 1024 बिट से बनता है 1 KB, फिर 1024 KB से बनता है 1 MB, 1024 MB से बनता है 1 GB, फिर वो TB में TB पेटाई होता है, इस टाइप से बढ़ता जाता है। ठीक है साइज, तो यहाँ पे बिट रेट का मतलब ये है कि ये डिफाइन करता है कि वीडियो में कितने बीट होगा, मतलब वीडियो में जितना बीट होगा वीडियो का जो साइज है वो उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसमें कितना बीट आपको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए आइए जान लेते हैं। दोस्तों अलग अलग जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से हमें वीडियो का बिट रेट सेट करना होता है। जैसे कि ये दोस्तों नॉर्मल स्टैंडर्ड है, अभी अभी जितना भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन देखते हैं वो इसी स्टैंडर्ड में होता है। ठीक है, चाहे आप फेसबुक में, यूट्यूब में या फिर ऑफलाइन भी देखें तो इसी फॉर्मेट में ये होता है। अगर आपके पास कोई 4K फुटेज है, ठीक है, 4K वीडियो, तो उसमें 35 से 45 MBPS रखा जाता है, वो भी दोस्तों NTSC या PAL दोनों में ही, और वो भी दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, 24:25 या फिर 30 FPS। लेकिन कभी कभी अगर आपको 60 FPS यानी कि जो स्लो मोशन वीडियो होता है ना, जो हायर फ्रेम पे शूट किया होता है, ठीक है, हाई फ्रेम रेट पे, डबल फ्रेम रेट पे, जैसे कि 48:24 का डबल, 48:25 का डबल होता है 50, और 30 का डबल होता है 60, 60 FPS वीडियो भी आप देखते हैं यूट्यूब में होता है, तो वो दोस्तों 35 MBPS से 65 MBPS, मतलब 1 सेकेंड के लिए आपको 35 से 65 सेकेंड MB देना पड़ेगा 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, ये होता है उसका साइज। तो वीडियो जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से ये मल्टीप्लाई होते होते बढ़ता रहेगा। ठीक है, अगर 2K है तो 2K के लिए 16 MBPS, और
हाई फ्रेम रेट के लिए 24 Mbps, अगर नॉर्मल जो फुल एचडी होता है ना, जिसका 100 180p बोला जाता है, उसके लिए 8 Mbps, और हाई फ्रेम रेट के लिए 12 Mbps, और 720p के लिए 5 Mbps। तो इसी हिसाब से जितना वीडियो का रेजोल्यूशन कम होगा, उसका साइज भी उसी हिसाब से कम होता रहेगा। जैसे कि एक फुल एचडी वीडियो में 1 सेकेंड के लिए आपको 8 MB चाहिए, तो उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए कि कितने सेकंड का वीडियो होगा, कितने मिनट का वीडियो होगा, उसी हिसाब से ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भी दिखा रहा है कि आपको कितना रखना है। हालांकि सॉफ्टवेयर पे हम क्या करते हैं कि रेजोल्यूशन थोड़ा ज़रा ज़्यादा बड़ा रखते हैं, ताकि हमारा जो वीडियो आउटपुट आए वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आए। तो यहाँ पे हम 10 रखते हैं, या फिर आप इसको 8 भी रख सकते हैं। ये एक फुल एच डी वीडियो है, 1080p रेजोल्यूशन वाला। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों रेजुलेशन भी आपको दिखाएगा, उस हिसाब से आप रख सकते हैं, या फिर आप, और ये मैक्सिमम कितना मैक्सिमम होगा, जैसे कि इधर दिखाया है कि ये मिनिमम मैक्सिमम, तो वो भी आप इधर से रख सकते हैं, या फिर दोनों को ही सेम भी रख सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप मैक्सिमम ही रखिए। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों वीडियो का बिट रेट, यानी कि आप जितना बिट रेट कम करेंगे, वीडियो का साइज उतना कम होगा, और वीडियो का बिट रेट जितना बढ़ाएंगे, वीडियो का जो साइज़ है वो उतना ही हैवी होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप वीडियो का बिट रेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रेंडर में, रेंडर इफेक्ट मैं बाद में दिखाऊंगा अलग अलग चीज़, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ऑडियो। ऑडियो में भी दोस्तों यहाँ पे ऑडियो सैम्पल रेट होता है, जो कि मैंने दोस्तों इधर जब मैं एडोबी ऑडिशन का वीडियो एडिटिंग, मतलब एडोबी ऑडिशन का ट्यूटोरियल बना रहा था, तब मैंने आपको बताया था सैम्पल रेट के बारे में, क्योंकि जितना सैम्पल रेट होगा उतना ही ऑडियो क्वालिटी उतना अच्छा होगा। वैसे ही वीडियो भी इधर बिट रेट कम करता है। ठीक है, तो रेंडर मैं अभी नहीं दिखा रहूँगा, ठीक है, रेंडर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे थियोरी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये होता है बिट रेट। तो दोस्तों अब हमें जब भी हमें कोई भी फाइल लेना है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वो एनटीएसपी में बनेगा या फिर पाल में बनेगा, यानी कि वो 30 FPS में बनेगा या फिर 25 FPS में बनेगा। ठीक है, तो अगर आप काम करते हैं इंडिया में, इंडियन क्लाइंट के लिए, तो आपको 25 FPS लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि एज ए वीडियो एडिटर आपको ये काम करना है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना, जो आपको काम देगा, जो नॉर्मल क्लाइंट होता है, उनको इतना नॉलेज नहीं होता इन सब चीज़ों का। ये आपको ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये लेना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। फिर टाइम कोड तो पता चल जाएगा कि जब आप काम करेंगे कि कितना सेकंड, फ्रेम, मिनट, आवर्स का है, वो आपको पता चल जाएगा। और जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, तो कितना बिट रेट रखना है वो आप रख सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्नैपशॉट भी रख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप पॉज करके एक स्नैपशॉट ले लीजिए, और इसका भी आप ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अब ये है दोस्तों थियोरी, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम रेंडर करेंगे ना, तो हम वीडियो किस फॉर्मेट में रेंडर करें, यानी कि जो वीडियो का जो फॉर्मेट है, जैसे कि हम गाने सुनते हैं, वो होता है दोस्तों MP3 गाना। ठीक है, MP3 फॉर्मेट होता है, MP3 फॉर्मेट में हम गाने सुनते हैं, तो वीडियो किस फॉर्मेट में निकालें, तो वीडियो का दोस्तों जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, फॉर्मेट में जाइए, तो इधर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप H.264 को लीजिए। ये दोस्तों सबसे अच्छा क्वालिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो फॉर्मेट में भी ना अलग अलग फॉर्मेट होता है, अलग अलग काम के लिए। इसमें दो फॉर्मेट मेन तौर पे आता है, एक है H.264, ये होता है दोस्तों कॉम्प्रेस्ड, यानी कि इसको कॉम्प्रेस किया जाता है, ताकि आपका जो वीडियो में जो है आउटपुट का जो क्वालिटी है वो ज़्यादा आए, लेकिन साइज़ कम से कम आए, यानी कि आपका क्वालिटी भी अच्छा होगा लेकिन साइज भी कम होगा, ताकि आप इजीली उसको कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकें। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आता है दोस्तों AVI। AVI में भी आपका दो AVI देखने को मिलता है, एक होता है दोस्तों नॉर्मल AVI जो कि कॉम्प्रेस होता है, और दूसरा AVI होता है अनकॉम्प्रेस्ड, मतलब उसमें रॉ डाटा रहता है। ये फाइल बहुत ही बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, अब हमेशा H.264 को ही चूज़ कीजिए, कोई भी दूसरा ऑप्शन पे हम चूज़ मत कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों आप अगर चाहे तो जो वीडियो है ना, वीडियो का फॉर्म में ना निकल के आप चाहे तो इसको इमेज के फॉर्म में भी निकल सकते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों यहाँ पे बताया कि इमेज से ही वीडियो बनता है, तो आप वापस इसको उल्टा कर सकते हैं, आप वीडियो से इमेज बना सकते हैं।
वीडियो जब रेंडर करेंगे तो इमेज के सीक्वेंस में ये रेंडर होगा, ठीक है। वो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको जेपेक और पीएनजी देखने को मिलेगा। आप जेपेक या पीएनजी इन दोनों फॉर्मेट में आप अपना जो वीडियो है उसका आप इमेज निकाल सकते, इमेज सीक्वेंस में निकाल सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। और चाहे तो आप इमेज सीक्वेंस से भी वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, वो भी होता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, चलिए ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे बनते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में जो प्रैक्टिकल वीडियो का उसमें मैं दिखा दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आज के वीडियो में मैंने आपको थियोरी के बारे में बताया, जैसे कि एनटीएससी पैल क्या होता है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है, वो कितने फ्रेम में होता है, दुनिया में किधर किधर वो इस्तेमाल होता है, टाइम कोड क्या है, बिट रेट क्या है, अलग अलग रेजोल्यूशन के हिसाब से बिट रेट कितना रखना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आज मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लगेगा कि ये तो बेकार का वीडियो होगा, नहीं, ये सब जानना आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपको वीडियो एडिटर बनना है तो बस सॉफ्टवेयर का टूल जान के आपको काम नहीं चलेगा, आपको थ्योरी का नॉलेज भी होना चाहिए। तो दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, जी हाँ, रोज़ आपको जो वीडियो एडिटिंग का वीडियोस आने वाला है, तो कल मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो दूंगा, ठीक है, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे काइंड टू दस, जय हिंद।